अरे यार चौप कुछ तो तगड़ा होने वाला है। मैं भाई साहब शिनचान मेरे को तो खुद लगता है बे, नहीं तो कलुआ रोज रोज ऐसे काम नहीं करता बे। अरे जिस आदमी ने जिंदगी में पुशअप्स नहीं लगाए वो आज 100-100 पुशअप्स लगा रहा है। अरे गाइस पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। भाई साहब आज नहीं छोड़ूंगा भाई साहब किसी को भी। मैं भाई साहब कलुए बताएगा क्या क्या हुआ। बहुत बड़ा मिशन है गाइस, बहुत बड़ा भाई। ये मिशन मेरे हाथ से चूकना नहीं चाहिए भाई, किसी भी हालात में भाई मैं इसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अरे आपके हाथ जो आता है चले जाता है फैकल भी, आप ये बताओ कि करने क्या वाले हो। नहीं शिनचान भाई साहब जितना मर्जी मजाक उड़ा ले पर इस वक्त मैं सीरियस हूँ भाई साहब। गाइस देखना भाई, सबको दिखा दूंगा कि भाई साहब मैं ही हूँ असली फ्रैंकलिन, जो कि भाई साहब ये बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं भाई साहब कौन सा बड़ा काम कर लूँ, हमें भी तो बता यार। ये हो गया 195, 196, 197, 198, 199 और ये 200, 201, 202, 203, 204। ओ बस भाई। मैं कलुए तू भाई साहब ये 203-204 पुशअप लगाकर कहाँ चला है। अबे मैं कहीं नहीं चला, तुम लोग भी मेरे साथ चले हो। अरे गाइस क्या होने वाला है। अबे यार गाइस यहाँ पर आज भाई बहुत खतरनाक दिन है, तो गाइस आज तो वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में तो शायद आपको टाइम ना लगे, आप इतना ज्यादा स्टोरी में भाई साहब यहाँ पर घुस जाओ कि आपको टाइम ही ना लगे भाई वीडियो को लाइक करने का, तो अभी वीडियो को लाइक मार दो। मैं भाई साहब कलुए ऐसा क्या दिन है आज। आज भाई साहब यहाँ पर वेडनेसडे है। अरे वो तो मेरे को भी पता है, पर ऐसा खास क्या है, स्कूल में दूसरी यूनिफॉर्म डलेगी ना आज तो। अबे हट बे शिनचान, ये भाई साहब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी है भाई, हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आज। मैं भाई साहब कलुए क्या करने जा रहे हैं ये भी तो बता। तो यार गाइज यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर बात कुछ ऐसी है। बात तो घर जैसी है। अबे यार तो तू बोल ले या मेरे को बोलने दे। मैं भाई साहब चल कंटिन्यू कर। सर गाइस बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो लॉस सैंटोस है ना, उसमें आपको पता है भाई बहुत ही खतरनाक गैंग्स है, एंड उनमें से ही एक है लॉस्ट गैंग। अरे हाँ यार ये लॉस्ट गैंग वाले बहुत तंग करते हैं हमें। अबे भाई साहब इस वक्त गाइस यहाँ पर तंग की बात नहीं है। मैं भाई साहब तंग की बात नहीं है मतलब क्या है तेरा। मतलब गाइस इस बार हमें किसी ने तंग नहीं किया। अरे तो क्या होने वाला है। हर बार गाइस यहाँ पर लॉस्ट गैंग लॉस सैंटोस को तंग करती है, इस बार गाइस हम लॉस्ट गैंग को तंग करने वाले हैं। अरे कैसे 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 यार, अब तो सुनने में अच्छा लग रहा है। ओके यार गाइस तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो लॉस्ट गैंग वाले है ना, उन्होंने गाइज यहाँ पर आज इम्पोर्ट करवाई है बहुत ही सारी गन्स। मतलब भाई कितनी, भाई साहब आप गिन नहीं सकते इतनी गन्स। मैं भाई साहब बाहर से इम्पोर्ट करवाई है। बिल्कुल गाइज, एंड इस वक्त गाइज यहाँ पर वो सारी की सारी गन्स वहीं पर हैं जहाँ पर सारा यहाँ पर बाहर से सामान आता है समुद्र के किनारे, एंड आपको जैसे पता है भाई शिप्स में सामान आता है। तो हम लॉस्ट गैंग वालों का सामान चोरी करने वाले हैं। हट भाई इतना छोटा काम के लिए भाई इतने पुशअप। तो भाई साहब कल तेरे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। हम गाइज यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी कि गाइज आज हम लॉस्ट गैंग वालों का वो जो भाई साहब यहाँ पर बाहर से शिपमेंट आई है उसको गाइज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अरे मतलब आप सारी की सारी गोलियों को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। ओ भाई साहब अगर वो इनके हाथ में लग गई ना तो भाई हफ्ते में लॉस सैंटोस सफा जट हो जाएगी। भाई साहब वो अपना राज कर लेंगे लॉस सैंटोस में। बिल्कुल, तो गाइज यहाँ पर वो गन्स तो किसी भी हालात में लॉस्ट गैंग के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, बट उसी के साथ साथ गाइज आज हम लॉस्ट गैंग के बेस में जाएंगे, एंड वहां से गाइज यहाँ पर लॉस्ट गैंग के सारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर खतरनाक बंदे होंगे उस बेस में उनको गाइज खत्म करेंगे, एंड उस बेस से गाइज हम बहुत ही सारा, मतलब भाई साहब कितना आप भाई सोच भी नहीं सकते इतना पैसा यहाँ पर उठाने वाले हैं। अरे मतलब आप यार लॉस्ट गैंग वालों को लूटोगे। अरे यार फ्रैंकल भैया आप अपने दिमाग में सही हो क्या। गाइज यहाँ पर लॉस्ट गैंग वालों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, मैं आपको क्या बताऊं भाई। हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा ही है भाई, लॉस्ट गैंग वाले हमेशा हम सबका बुरा करते हैं, बट इस बार गाइज बारी आ चुकी है लॉस्ट गैंग वालों से बदला लेने की। एक बार तो गाइज उन्होंने मेरा एक दोस्त ही भाई साहब गोली से मार दिया था, एंड गाइज यहाँ पर अभी तक गाइज यहाँ पर वो बात का गुस्सा मेरे दिमाग में है। तो गाइज आज हम लॉस्ट गैंग वालों से मजा लेने नहीं वाले, हम लॉस्ट गैंग से बदला लेने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर जल्दी से वीडियो को लाइक मारो क्योंकि हमारा मिशन स्टार्ट होता है अब। अरे फ्रैंकल भैया तो बहुत सीरियस है गाइज आज। अबे हम जो काम करने वाले हैं वो छोटा मोटा नहीं है भाई, लॉस्ट गैंग के बेस में घुसना है, सबसे पहले उनकी शिपमेंट चोरी करनी है, उसके बाद उनके बेस में घुसकर उनका बेस लूटना। भाई आसान लगता है क्या। मैं कलवे आसान तो कुछ नहीं है बे। तो चल कोई बात नहीं भाई साहब, मरवर गया तो कोई बात नहीं भाई, अगर रात तक नहीं आए तो हम समझ लेंगे तू खत्म है। अच्छे से जाना भाई साहब। अरे टाइम से चले जाना, और अगर कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होगा हमें बताना, बाकी कोई जरूरत पड़ी तो कॉल कर देना फ्रैंकल भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो भाई भाई हैं। तेरी ऐसी तैसी, क्या कह रहे हो एक बार फिर से बोलना। एक सेकंड, क्या कह रहे हो एक बार फिर से बोलना। अरे क्या यार फ्रैंकल भैया आप तो छोटी छोटी बातों का गुस्सा मान लेते हो यार। अरे हम आपको छोड़कर थोड़ी जाएंगे,
हम तो आपके साथ ही जाएंगे। अरे फ्रेंकी भाई, मेरे को मरना नहीं है यार। अबे चुप कर बे सिंचन, क्या फट्टू वाली बात करता है बे तू। तो भाई हमारे साथ है, तेरे को कुछ नहीं होगा। भाई साहब सबसे बड़ी फिक्र इसीलिए भाई साहब कि हम तेरे साथ हैं। एक सेकंड चुप, क्या बोल रहा है तू? ओ बे, ओ बे भाई साहब इसकी डिग्गी। ओ भाई डिग्गी नहीं है गाइस, ये तो कन्वर्टेबल है भाई, इसने बंद किया शायद। मैं भाई साहब मुझे लगा इसकी डिग्गी खुल गई। भाई डिग्गी तो अब हमारी खुलने वाली है जल्दी। अरे फ्रेंकी भाई ऐसी बातें मत करो यार, मेरा तो दिल धक धक होता है ऐसी बातें सुन के। अबे क्या यार, तुम लोग भाई मेरे साथ रहते हो और तुम इतने फट्टू हो भाई की भाई साहब बात ही छोड़ दो। मैं कलवे फट्टू होना पड़ता है बे। तू भाई साहब क्या पता हमें मरवा दे बे। हमारी तो शादी भी होनी है अभी भाई साहब, बच्चे देखने हैं बे। मैंने बच्चे खिलाने अपने। अबे खिला लेना अपने बच्चे भाई। यार गाइस यहाँ पर जैसी ये बातें करता है ना भाई, मैं मार दूंगा किसी को भी। मेरे तो बंदे हैं भाई साहब, देखो टाइम पे गाइस इसकी फट जाती है। ओ भाई साहब कलवे मेरी बात मत कर बे, मैं हूँ बहुत ताकतवर। अगर एक बार भाई साहब लॉस्ट गैंग वालों को तूने मेरा नाम भी बता दिया ना कि हमारे साथ चोप आया है, वो अपने आप अपना बेस तेरे हवाले कर देंगे। अबे कुछ नहीं करने वाले भाई साहब, वो अपना बेस हमारे ही वाले। गाइज यहाँ पर ये मिशन में बहुत कुछ होने वाला है, बिकॉज देखो भाई हम बहुत तगड़ी गैंग के साथ पंगा लेने जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर सिंपल ही होने वाला, तो गाइज आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। तो गाइज यहाँ पर जल्द से सभी भाई साहब लाइक का बटन दबा करना, वो लाइक का बटन को नीला कर दो, मतलब लगे हाँ भाई सब लोग सपोर्ट में हमारी, एंड हम गाइज आज के मिशन को पक्का भाई पूरा कर देंगे आपके लिए। अरे गाइज और यार जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, 200 फॉलोअर्स होने वाले हैं यार, कर दो ना यार। बिल्कुल गाइज पूरू गेमिंग ऑफिशियल यहाँ पर जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिसने अभी तक नहीं मारा है भाई, बहुत सिंपल है, जल्दी जाओ एंड फॉलो करो। तब तक गाइज हम लोग चलते हैं जल्दी से भाई यहाँ पर डॉग्स के पास, जहाँ से गाइज यहाँ पर आती है हमारी शिपमेंट, मतलब भाई आपको पता ही है कहाँ से आती है भाई, लॉस एंजेलिस में सारा सामान बाहर से इंपोर्ट वहीं पे होता है। एंड वहीं पे गाइज एक कंटेनर होगा यहाँ पर लॉस्ट गैंग वालों का, हमें गाइज वो कंटेनर फाइंड करना है, उस कंटेनर को लेकर जाना है, उस कंटेनर को फोड़ना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर उस कंटेनर को फोड़ कर गाइज हम लॉस्ट गैंग वालों के बेस के अंदर जाएंगे। तो उसके लिए हम कौन सा तरीका यूज करने वाले हैं वो गाइज आप लोग देखते रहिएगा। भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं हम, माइकल का आशीर्वाद लेकर जाना है क्या? अरे फिर तो पक्का हम फेल होंगे अपने मिशन पे यार। नहीं नहीं माइकल अंकल का आशीर्वाद नहीं। अबे यार गाइज पता नहीं इनको माइकल से क्या प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं गाइज, लेट्स गो, जल्दी से हम लोग चलते हैं वहाँ पे। भाई साहब कल कितना दूर और जाना है अभी? अरे हाँ यार फैंकली भाई पूरा दिन लगा दिया था आपने। अबे बस पहुंच ही गए आई थिंक गाइस, यहां पर ऊपर से जाना चाहिए। ओ भाई साहब एक सेकंड रुक जा भैया। ओ भाई बाहर आ गया। ओ भाई ओ अंकल अंकल सॉरी अंकल, अरे मैं तो भाई साहब वैसे ही गाइस यहां पर ये तो भाई गुस्से में ही हो गए थे यार। अरे यहीं से लेना है क्या? यहीं से लेना नहीं है, यहीं से गाइस यहां पर हमें वो भाई शिपमेंट मिलेगी जो कि गाइस यहां पर बाहर से आने वाली है, इनकी गाइस यहां पर लॉस्ट गैंग वालों की। सो यार गाइस यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, ये गाइस यहां पर बहुत सारे यहां पर डॉग्स पड़े होते हैं गाइस, यहीं से हमें देखना है भाई साहब हमें कहां पर जाना है। आई थिंक गाइस हमारे लिए ये खुल जाना चाहिए। खुल जा सिम सिम। अरे फैकल भाई ये तो काम करता है। अरे खुल जाए सिम सिम काम नहीं करता। तो भाई साहब क्या काम करता है बे? अबे बस तू पूछ मत क्या काम करता है। तो यार गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं गाइस, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है जो कि है गाइस यहाँ पर लॉस्ट गैंग वालों का डब्बा ढूंढना जो कि गाइस यहाँ पर आया है बाहर से। अरे इतने सारे कंटेनर्स में से हम लॉस्ट गैंग वालों का कंटेनर कैसे ढूंढेंगे फैकल भैया? पागल पागल हो गए हो क्या यार? पढ़ाई वढ़ाई नहीं की क्या जिंदगी में? अबे तूने क्या दिमाग नहीं लगाया कभी जिंदगी में? अरे क्यों क्या हुआ? अबे मेरे भाई शिनचैन अगर वो लॉस्ट गैंग वालों का भाई कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारी गन्स आ रही हैं, तो भाई ऑब्वियसली यार लॉस्ट गैंग के बंदे होंगे उसके आसपास। ओ भाई साहब कल क्या दिमाग लगाया बे, बचपन में क्या तू भाई साहब बुक खा जाता था? अबे नहीं यार बेइज्जती मत कर गाइस, यहाँ पर चलो हमें अब ऊपर जाना पड़ेगा भाई साहब सीढ़ियों से, क्योंकि गाइस यहाँ पर मुझे अब देखना है कि भाई यहाँ पर क्या बनता है गाइस यहाँ पर लॉस्ट गैंग वालों का, मतलब कहाँ पर है गाइस ये सब। एंड गाइस उसको देखने के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे। अरे फ्रैंकली भाई कितना ऊपर जाना पड़ेगा अब यार? अबे बस थोड़ा ऊपर चल मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट गैंग के बंदे फाइंड करने हैं कि वो सब कहाँ पर हैं। जहाँ पर गाइस लॉस्ट गैंग के बंदे होंगे वहीं पे गाइस हमारा वो वाला कंटेनर होगा जिसके अंदर यहाँ पर लॉस्ट गैंग की गन्स आ रही हैं, डिस्ट्रॉय भी कर। एंड गाइस हमें उसी कंटेनर का सहारा लेकर गाइस इनके बेस तक का रास्ता मिल जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं, ये देखो गाइस यहाँ पर भरे पड़े हैं, बट आई डोंट थिंक भाई कि लॉस्ट गैंग वालों का इनमें से कोई है, क्योंकि भाई वो अपनी चीजें झुंड में तो नहीं कभी भी रखेंगे। एंड भाई साहब यहाँ पर गाइस ये देखो यहाँ पर एक खड़ी है शिप जिसके अंदर गाइस शायद यहाँ पर सामान आया है, ये बंदे गाइस खड़े हैं, बट ये तो शिप वाले हैं। आई डोंट थिंक गाइस यहाँ पर कोई भी लॉस्ट गैंग का बंदा मुझे अभी तक दिखा है, आई डोंट थिंक भाई यहाँ से दिखेगा। आई थिंक गाइस हमें थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है। अबे गाड़ी मर गई क्या फ्रैंकल भैया? यार गाड़ी ले जाओ। अबे हाँ यार ये चॉप को भी तो साथ रखना होता है ना भाई साहब। भूल जा भूल जा, मेरे को वैसे भी कौन सी इज्जत है जिंदगी में।
अबे आ रहा हूँ यार, चुप, तू फिकर बहुत करता है, ये ले आ गया। हाँ भाई साहब, तू तो छोड़ जाता अगर शिनचैन ना बोलता, शिनचैन मेरा अच्छा भाई है। अरे देखा चुप, मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ यार, चल अब बची चॉकलेट मेरे को देना। ओ भाई साहब यार, वो तूने आधी खा ली यार, आधी मेरी है। अबे यार तुम लोग मत लड़ो भाई, अभी तो छोटी सी बात में, अभी हम बहुत बड़े मिशन में निकले हैं उसका। भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ। तो यार गाइस यहाँ पर ये देखो, ये शिप आई, आई थिंक गाइस इसी शिप में लॉस्ट गैंग का सामान आया होगा। एंड भाई साहब मेरे हिसाब से गाइस मैंने लॉस्ट गैंग के बंदे फाइंड भी कर लिए हैं। ये देखो गाइस, एक तो यही खड़ा है, इसका मतलब गाइस लॉस्ट गैंग वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसका मतलब गाइस इनका सामान भी यहाँ पर पहुंच चुका होगा अगर हम देखें तो। भाई साहब वो ओके ओके, तो गाइस वहाँ पर एक कंटेनर बाहर रखा हुआ है इन्होंने, आई थिंक। ओ भाई साहब बिल्कुल गाइस, देखो इस कंटेनर के आसपास कितने लॉस्ट गैंग के बंदे खड़े हैं। आई थिंक गाइस वी फाउंड आवर ट्रेलर, भाई यही है गाइस जहाँ जिसके अंदर बहुत सारी गन्स हैं। तो देखो भाई, ये तो इनके हाथ लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी भी हालात में। तो गाइस इसको तो भाई यहाँ से रफू चक्कर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सारी गन्स के साथ ये गैंग बहुत ताकतवर हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि भाई फिर लॉस सैंटोस में हर दिन कोई ना कोई मरता रहेगा। अरे यार ये ढंग के काम जो करने होते हैं पुलिस वालों को करने दिया करो फ्रैंकलिया यार, अपने हाथ में कानून को लेना क्या होता है आपको। अरे फ्रैंकलिया वैसे ऐसे काम पुलिस वालों को नहीं करने चाहिए क्या? अबे भाई साहब, ये सारे जो गैंग वाले हैं ना, ये सब पुलिस वालों के भाई साहब साथ मिले होते हैं। वे भाई साहब, ये भाई साहब गलत है कलुए, वही तो बात है गाइस, यहाँ पर दिक्कत की बात तो यही है। इसीलिए गाइस यहाँ पर हमें अगर लॉस सैंटोस में रहना है, थोड़ा बहुत अपना भाई कब्जा रखना है, तो गाइस यहाँ पर हमें लॉस्ट गैंग वालों को बिल्कुल भी पावरफुल बनने नहीं देना। ये गाइस हमारा अगला काम है, आपको पता ही है, ये तो हम कभी होने नहीं दे सकते। तो गाइस चलो, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर इसीलिए खड़ी कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ से अच्छा व्यू भी मिलेगा एंड हम गाइस अच्छे से देख भी पाएंगे कि चल क्या रहा है। सो गाइस यहाँ पर लेट्स सी, देख सकते हो आप सभी लोग, लॉस्ट गैंग के बंदे भरमार है भाई यहाँ पे। अरे तो वो वाला कंटेनर हमें कैसे मिलेगा अब? देखो गाइस यहाँ पर वो वाला कंटेनर हमें अगर चाहिए तो भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले इनके साथ यहाँ पर निपटना पड़ेगा। आई थिंक गाइस अभी इतने बंदे नहीं आए, इनका जो मेन बॉस है वो भी नहीं आया। सो गाइस आई थिंक इस वक्त मैं इनके साथ फाइट करने का लायक भी हूँ थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो। तो वेट गाइस, यहाँ पर मैं अपना चाकू निकालता हूँ एंड आई थिंक गाइस इसकी जान मैं आराम से ले सकता हूँ जो कि यहाँ पर खड़ा है। हेलो भैया कैसे? ओ भाई जो बच गया तेरी तो गया गाइस ये तो। ओके एंड गाइस यहाँ पर अब बारी आ चुकी है थोड़ा सा आगे जाने की। वहां पर भी गाइस लॉस्ट गैंग के बंदे खड़े हैं भाई, ये दोनों भी लॉस्ट गैंग के आई थिंक। सबसे पहले गाइस उसकी ऐसी तैसी मारता हूँ अपनी साइलेंसर वाली पिस्टल का यूज करके। एंड ये क्या गाइस, वो भाई साहब पता लगा, वो भाई साहब वो लोगों को पता लग गया बट इनको अभी तक नहीं पता लगा। ये भी गया ऐसे करके गाइस, यहाँ पर मैं आधे से ज्यादा बंदे तो मार ही दूंगा इनके, बट उन चारों में से कौन सा मारूं? ओए वो सामने कोई खड़ा दिख रहा है मेरे को, गन है उसके हाथ में, ध्यान रखना उस पे। ओ भाई साहब आई थिंक गाइस हमें किसी ने देख लिया है। अरे यहाँ क्या कर रहा है, भाग जाए यहाँ से, ओए हमारा इलाका है ये, काम चल रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा? अबे मैं तो वैसे ही टहलने आया था। अरे फैकल भैया यार आप वापस क्यों जा रहे हो यार? अबे फाइट हो जाएगी गाइस, यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। आई थिंक गाइस पुलिस ऑलरेडी किसी भाई साहब यहाँ पर। अबे गाइस पुलिस को शायद पता लग चुका है भाई लॉस्ट गैंग के बारे में, इसीलिए गाइस नहीं 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 भाई वो गाइस किसी और का भाई साहब यहाँ पर, वो देखो वहाँ पे किसी को भाई साहब यहाँ पर पुलिस ढूंढ रही है। बट गाइस आई थिंक भाई साहब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे इसको गोली लगी है, कौन है वहाँ जो यहाँ पर खड़ा था उसको ढूंढो, उसी ने मारा इसको। ओह नो भाई साहब मेरे हिसाब से हम गए गाइस, कौन आया अपनी मौत को न्योता देने। भाई साहब अब तो गाइस यहाँ पर बचेंगे नहीं हम, अब तो गाइस फाइट करनी पड़ेगी। और मैं आऊँ तेरी ऐसी तैसी भाई साहब, ये ले। अरे जिंदा मत छोड़ना इसको, अबे तुम्हारी ऐसी तैसी। ओ भाई साहब एक सेकंड। अरे फ्रैंकलिन भैया यार आपको हमेशा फाइट लेनी अच्छी लगती है क्या? वो बंदा आराम से गाइस और बंदों को बताने चला था, मैंने उसको भी मार दिया। रुको, तुम सबकी तो ये लो भाई साहब, गाइस इनको क्या पता भाई मेरे फाइटिंग स्किल्स के बारे में। भाई बट गाइस इनके और बंदे आते ही होंगे, हमें गाइस यहाँ पर जल्द से जल्द ये कंटेनर लेकर जाना पड़ेगा यहाँ से। आई थिंक गाइस इसी पे हमारी भलाई है। ये लो भाई साहब ये भी गया, ओ भाई साहब रीलोड एंड ये गया गाइस। आई थिंक गाइस हमें गाइस यहाँ पर ये कंटेनर लेकर भागना चाहिए, ये बिल्कुल सही टाइम है बिकॉज अभी के लिए गाइस यहाँ पर हमने इनफ बंदों को मार दिया है। अब भी गाइस इनके और बंदे आते ही होंगे बट उनके आने से पहले गाइस इसको लेकर जाना है। अरे फ्रैंकलिन भैया बस ये बता दो इसको हम लेकर कैसे जाएंगे? ओ भाई साहब गाइस ये भी बात है, इसको चलाने के लिए भाई कुछ चाहिए। ओए यार इसकी तो भाई साहब रुक, इसको गाइस यहाँ पर मैं बताता हूँ, स्टिकी बॉम इतना दूर जाएगा क्या? ये ले भाई साहब तेरे लिए। ओ नहीं भाई इतना दूर जाता ही नहीं है भाई, कोई बात नहीं गाइस इतनी दूर ये नहीं जाता, तो इसको यहाँ पर बुला लेंगे। अबे आ जा, अबे हमारे बंदे आते ही होंगे, सरेंडर कर दे। सरेंडर कर दूं पहले? तू तो बच जा भाई साहब, सरेंडर कर दे, लेट्स गो गाइस। अरे फ्रैंकलिन भैया सच में यार इनके बंदे आते ही होंगे यार, आपने बहुत तगड़ी जंग छेड़ दी है यार, जल्दी से इस कंटेनर को लेकर चलो। गाइस अब हमने क्या करना है, ये कंटेनर लेकर गाइस यहाँ पर जाना है। उससे पहले भाई साहब रुको गाइस, मुझे सबसे पहले कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ हम जा पाए
ओ यार कहाँ है? ओ भाई साहब रुको, वहाँ पर गाइस कुछ खड़ा है। ओके तो गाइस मुझे लगता है वो हमारे काम अच्छे से आ जाएगा, बट गाइस वहाँ पर भी कुछ बंदे खड़े हैं भाई, इनकी भी ऐसी तैसी माननी पड़ेगी विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। लेट्स गो। अबे 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 गाइस ये मिल जाएगा क्या मेरे को? भाई साहब ये अंकल तो कुछ नहीं कहता। ये उठाता हूँ। ओए क्या जा रहा है चिरकुट? मेरा है ये बाप, क्या क्या तेरे मेरा है ये, मैं तेरी ऐसे बाप पे कैसे गया भाई? तेरी तो भाई साहब मेरे सर पंगे। गाइस लेट्स गो, यहाँ पर जल्द से इसमें बैठते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं। इसके साथ गाइस हम ट्रेलर को लेकर आ पाएंगे एंड मेरे हिसाब से भाई हमने गाइस यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत तो काम कर ही लिया है। आई थिंक गाइस अब हम बहुत ज्यादा सेफ हैं, बिकॉज नहीं सेफ तो नहीं है क्योंकि भाई गैंग वाले आ ही रहे होंगे। अरे फ्रैंकली भैया जल्दी इसको उठाओ और ले चलो। वैसे हम इसको लेकर क्यों जा रहे हैं यार, इसको तो डिस्ट्रॉय करना है फ्रैंकली भैया हमने। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग कोई प्लान नाम की चीज को समझते नहीं क्या? अभी जल्दी बैठ इसमें शिनचैन, जल्दी 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 यार जल्दी जल्दी। अरे फ्रैंकली भैया चलो 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 यार जल्दी से चोप को उठाते हैं यार, चोप आगे खड़ा है। अबे चोप की ऐसी तैसी। ओए भाई सब कलू है सब सुनते है, मेरे को ऐसी तैसी होगी तेरी मेरी नहीं बे। अरे फ्रैंक भाई जल्दी चलो यार, वो लोग हमारे पिछवाड़े के पीछे पड़े हैं। अबे नहीं भाई साहब कुछ नहीं होता, हम गए इसको भगा लेंगे। भाई साहब इसकी स्पीड क्यों नहीं है? मैं भाई साहब इतने ज्यादा कन का भाई साहब सामान तेरे पीछे होगा तो भाई साहब भाग कैसे लेगा तू? अबे पर मैं तो ये गाड़ी चला रहा हूं। और भाई साहब कल वे तेरा दिमाग नहीं है मैंने देख लिया। अबे तेरा वो होता है जैसे गाइस यहाँ पर इतना मुश्किल काम कर रहा हूँ, ऊपर से गाइस इनको मेरी पड़ी है। मैं भाई साहब कल वे तू कर क्या रहा है? इसको तो डिस्ट्रॉय करना था ना। अबे पागल यही तो हमारी की है जो हमें एंट्री दिलवाएगी उनके बेस में। अरे अच्छा तो आप उनके बेस में एंट्री करोगे ऐसे मेरे को ऐसे ऊपर टांग के? अरे हम पकड़े जाएंगे। अबे एक सेकंड तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? ओए अंदरा चौप तू भाई साहब कंटेनर के अंदर, और शिनचैन तू जल्दी अंदर आ भाई साहब, ऐसे नहीं होगा भाई उनको पता लग जाएगा। अरे फ्रैंकली भैया नीचे तो यार स्पेस ही बहुत है। हाँ अब बिल्कुल ठीक है भाई, शुक्र है गाइस इन्होंने मुझे बता दिया भाई, हम तो गए थे। भाई साहब कल इसको लेकर जाएगा तू और तुझे एंट्री मिल जाएगी। अबे हाँ यार इनके ड्राइवर्स चेंज होते रहते हैं भाई, मतलब इनको पता नहीं लगेगा कि मैं लेकर आया हूँ। मैं कह दूंगा इनका कंटेनर आया है जिसके अंदर गन्स हैं तो भाई मुझे एंट्री मिल जाएगी, एंड जैसी मुझे एंट्री मिलेगी वैसे गाइस मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि भाई एंट्री करते ही मैं गाइस वहां पर उनका बेस ढूंढ लूंगा जहां पर गाइस वो अपने पैसे वैसे रखते हैं गाइस, जहां पर वो बेस हम आज भाई साहब यहां पर अपने नाम करने वाले हैं। भाई साहब गाइस यहाँ पर टेंशन ही लेनी गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ भाई कि जिंदगी में भाई चोरियाँ कैसे होती हैं। अरे चोर को चोरी सिखाओगे देखना यार, आपका कच्चा चोरी कर लेंगे वो। भाई साहब तू ना दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं मैं तेरे चांटा नहीं मार सकता। भाई साहब ऐसा चांटा मारूंगा भाई धरती चारता फिरेगा। ओ भाई साहब ये तो मेरा डायलॉग है यार। गाइस चलो गाइस यहाँ पर जल्द से उनके बेस के पास मैं चलता हूँ एंड देखते हैं भाई साहब आगे गाइस हम उनके क्या अंडरग्राउंड बेस के अंदर जा पाते हैं जहाँ से गए हमने पैसे वैसे उठाने हैं। लेट्स गो। अरे यार फ्रैंकली भैया वैसे आपको इनके अड्डे कैसे पता है यार? अबे इतनी तो जानकारी रखता हूँ मैं लॉस सैंटोस की। मैं भाई साहब कल हुए क्या हम उनके अड्डे पे आ गए हैं? अबे अड्डा सामने देख रहे हो तुम? भाई साहब यहाँ पर होते हैं वो। हाँ और यहीं पे गए उनका एक बेस है जहाँ पर गए उन्होंने बहुत ही ज्यादा भाई साहब पैसा भी रखा हुआ है, जहाँ पर गाइस उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बट उनको क्या पता भाई फ्रैंकलिन आ रहा है उसका बाल बाका करने। अरे सारा पैसा यार चोरी लूट का सब वो वाला पैसा होगा। हाँ तुझे क्या लगता है भाई यहाँ पर मेहनत की कमाई रख रहे हैं यार? मैं भाई साहब कलुए यार मुझे पता है भाई साहब की तू कुछ कर सकता है, आज बदला ले लेगा लॉस गैंग वालों से। गाइस बदला तो ले लूंगा बट अब मेरी थोड़ी थोड़ी ऐसी तैसी हो रही है, क्योंकि गाइस हम पंगा भी तो देख लो किन से लेने जा रहे हैं भाई लॉस गैंग वालों से, जो कि गाइस लोगों को कच्चा चबा जाते हैं। अरे आपको कोई कच्चा नहीं खा सकता फ्रैंकलिन यार, आपको खाना मुश्किल है यार, डोले शोले हैं थोड़े से आपके। यहाँ पर गाइस मैं सीरियस हूँ और इनके मजाक सुन लो भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर आई थिंक गाइस यहीं से इनके बेस की एंट्री है। भाई मैं तो एंट्री ही भूल, ओ भाई साहब गाइस देखो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, अगर आप एक बार देखो ना भाई बेस में बंदे तो आप खुद कह दोगे कि भाई हाँ किसी खतरनाक गैंग का बेस है। भाई साहब कितने बंदे खड़े हैं भाई यहाँ पे तो। आई थिंक गाइस अब यार वहां से आना है गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है हाँ वहीं से आना होगा। लेट्स गो गाइस वहां से ट्रक लेकर जाते हैं, भाई सब निकल ना जाएगा इसे। अरे आपने कभी चलाया नहीं क्या ये वाला? अबे तुझे क्या कर लगता है मैं काम करता हूँ क्या ये वाला? भाई सब बकवास कर रहा है। ओके तो गाइज ये तो शायद हमारे लिए खुल जाना। अबे भाई साहब ये टूट गया है क्या? भाई पता नहीं गाइज, चलो ये तो खोल देना चाहिए इनको। सॉरी। अरे क्या कर रहे हो यार बॉस, गुस्सा होंगे, एक काम ढंग से नहीं होता तुम सबसे, चलो लेकर जाओ जल्दी से, इतना लेट कैसे हो गए? भाई वैसे गलती से लेट हो गया। अबे भाई साहब चलो 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 गाइज आगे 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 हम। अरे रोक ले, सर पे मारेगा क्या? ये क्या हाल कर रखा है ट्रक का? अरे फ्रैंकली भाई उनको शक नहीं होना चाहिए यार, कुछ तो बोलो। ये रास्ते में एक्सीडेंट सा हो गया था। क्या बोल रहे है? एक्सीडेंट हो गया था? नया ड्राइवर है क्या? पता नहीं तेरे को, कोई भी शिपमेंट अगर लेट हो जाती है तो सर पे गोली आती है। अरे आगे से नहीं होगा सर। आगे से नहीं होगा? क्या आगे से नहीं होगा? वो तो आज हमारे गैंग वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है,
इतनी सारी गन्स जो आई है इसीलिए तेरे को जिंदा छोड़ रहे हैं, नहीं तो अभी गोली मार देता तेरे को। भाई साहब इसकी तो अबे चुप कर चोप, चुप कर यार। अरे चलो दिखाओ, चेक कर लेता हूँ एक बार। आओ चेक करो थोड़ा सा सब है। हाँ रुको चेक करते हैं। ओए इधर ही रुक, ये पीछे वाले टायर कहाँ गए इसके? कह तो रहा हूँ एक्सीडेंट हो गया था। अगर गन्स को कुछ भी हुआ ना तो आज तेरा आखिरी दिन, पहला और आखिरी दिन होगा हमारी गैंग में। अरे यार फ्रैंकली भी आपको क्या लगता है यार, हमें जिंदा छोड़ देंगे ये? थोड़ी देर के लिए चुप रहो, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो भाई साहब वैसे भी कुछ नहीं बनने वाला यार। तो यार गाइस यहाँ पर ये लोग चेक कर रहे हैं गन्स को, पर अभी तो इसके अंदर गन्स है तो दिक्कत की बात नहीं है भाई, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ही होगा यार। देखो तो माल तो देखो बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश का फ्रेश माल है। चलो चलो ले जा इसको, सही है आज तो जश्न का दिन है। ओह शुक्र है भाई साहब, गाइस यहाँ पर हो गया। अबे जाना कहाँ पर है? अबे कहाँ जा रहा है, पागल हो गया क्या? राइट जाना है। सॉरी 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 सर सॉरी। ओ भाई साहब गाइस राइट जाना है। अबे राइट से कहाँ जाना है भाई साहब? अबे गाइस क्या है भाई, कैसे कैसे रास्ते हैं? अबे यार गाइस यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, जैसे भी रास्ते हैं। अब इसको लेकर कहाँ पर जाना है मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता, बट गाइस चलो चलते जाते हैं भाई साहब, कहीं तो आगे की तरफ लेकर जाना होगा इसको भाई। भाई साहब कलुए भाई बहुत मुश्किल है भाई ये। वो तो मुझे भी पता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं लेकर जाना होगा यार, कहां पर लेकर जाना है इसको? अबे आजा तू, रोके क्यों जा रहा है? अबे आगे आ गया, थोड़ा टायर खराब है ना इसके। चल 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 चल, आने दे आने दे। ओ भाई साहब गाइस ये क्या रास्ता है, ओ तेरी ऐसी तैसी भाई। बे भाई साहब कलुए, अबे चुप रहा है भाई चुप रहा है। ओके तो गाइस, अरे चल चल राइट राइट राइट। ओके तो गाइस यहां पर इसको हमें मुझे लगता है ड्रॉप करना है। अरे चल बाहर आ जा। ओके 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 गाइस आ गया भाई साहब। ओ भाई मेरे हाथ में चाकू है, अबे तुम लोग अंदर ही रहना। अरे फ्रैंकली भाई गोलियों के साथ यार हम यहाँ पर क्या करेंगे? बस जब तक मैं बोलता नहीं अंदर ही रहना। अरे क्या अपने आप से बात करने की बीमारी है क्या? नहीं सर वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। चल 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 घर जा अपने अब सीधा। अरे सर मैं भी देखूंगा कौन कौन सी गन्स लेकर आए हैं भाई मेरे मेरे बॉस। अरे बॉस नहीं उस्ताद बोल। तेरे को क्या बोलूं भाई साहब, तेरे तो मुंह पे गोली दूंगा। फिर से अपने से बात कर रहा है ये। अबे यार गाइस यहाँ पर ये तो मैंने शिनचैन और चोप को वहीं पे रख दिया, बट गाइस मेरा मेन काम है यहाँ पर बेस ढूंढना। अबे यार गाइस यहाँ पर सबसे पहले मुझे बेस ढूंढना, उसके बाद ही गाइस यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ भाई साहब, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार। और गाइस यहाँ पर शिनचैन चोप भी वहीं पर है भाई, ये लोग वहां से गन्स निकाल लेंगे, बट गाइस मैं मेरे को ये होने नहीं देना। आई थिंक गाइस यहाँ पर मुझे भाई साहब यहाँ पर अपना काम अंजाम देने पड़ेगा जल्दी। आई थिंक गाइस उनको कह देता हूँ भाई साहब बाहर आ जाओ, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम करने वाले हैं। अरे क्या कहाँ जा रहा है? अबे वो मैं चाबी रह गई। अरे घर की चाबी ट्रक में कौन रखता है? अबे गाइस लेट्स गो लेट्स गो। अबे शिनचैन चोप बाहर आ जाओ जल्दी से भाई साहब, पक्का भी आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई साहब। अरे फ्रैंकली क्या करने वाले हो यार आप? वो चीज जो कि भाई साहब करनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त गाइस, बट भाई साहब ये बहुत तगड़ी फाइट छिड़ जाएगी भाई से। ओ तेरी की गिर गया, अबे जल्दी आ जाओ यार। अरे फ्रैंकली क्या 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 हो रहा है? अबे क्या चल रहा है ये लोग कौन है? अबे तेरे को जल्दी पता लग जाएगा कौन है ये सब। अरे क्या कर रहा है ये आदमी, पकड़ो इसको। अरे ओ तेरी की, जिंदा मत छोड़ना इसको। ओ ओ ओ ओ भाई साहब गाइस भागो। अरे फ्रैंकली भैया क्या तगड़ा काम किया है। अबे तुम लोग यहीं पे रहना, मैं इनको देखता हूँ। बे भाई साहब कलुए इतने सारे बंदों से लड़ेगा क्या तू? इनकी ऐसी तैसी ऐसे कैसे नहीं लड़ूंगा भाई साहब। गाइस लड़ाई का तो मेरे को बहुत सालों का तजुर्बा है, इनको छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, अकेला अकेला मार डालूंगा। तेरी तो ये ले हेडशॉट। कौन है तेरी तो? तू भी गया बच्चू। और कौन है? तू भी गया बच्चू। और कौन है भाई साहब? गाइस ट्रक की ऐसी तैसी मार दी गाइस हमने। गाइस गन्स इनके हाथ में नहीं लगने दी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसी बात की है। बाकी गाइस यहाँ पर जो भी भाई साहब होता है अब वो देखा जाएगा, क्योंकि भाई इनका बेस मुझे अभी तक नहीं मिला है। अब यार मिलना चाहिए गाइस, क्योंकि इनके हर जगह पे एक ना एक भाई साहब यहाँ पर बेस होता है। मतलब गाइस दोस्त गैंग वालों के बहुत सारे बेस हैं वैसे तो, बट गाइस ये भी उनमें से एक है। बट गाइस मिलना तो चाहिए मुझे भाई साहब यहाँ से उनका, पैसे वैसे रखने का कुछ जुगाड़। बट गाइस अभी तक मुझे मिला क्यों? ओ भाई साहब नीचे ही है इसकी तो। अबे भाई साहब तुम सबकी ऐसी तैसी मारी। ओ गया गाइस, गाइस इसी के अंदर भाई साहब हमें मिल जाएगा वो सब जो हमें चाहिए भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा। बट इससे पहले पहले कि भाई साहब पैसा ही पैसा हमारे पास आने से पहले ही चला जाए, हमें गाइस इन सबको मारना पड़ेगा भाई सारे बंदे यहाँ पर तो। ओके तो गाइस यहाँ पर और कहाँ पर हैं भाई? बहुत ज्यादा हैं भाई, बहुत आवाज आ रही है गाइस अभी तक मुझे इनकी। तू भी क्या बच्चू ये ले। और भाई साहब वहां से गाइस गोली आ रही है बहुत तगड़े तरीके से। तेरी तो, तू भी ले, तू भी मरेगा भाई, तू भी गया, तुम सब भी गए हो, तेरी बहुत सारे हैं तो। ये लो तुम सबके लिए तो गिफ्ट है मेरे पास भाई साहब यहाँ पर। ये लो गाइस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर ये भी गए एंड ये भी गए बस, एंड
खत्म, ये गए। इस बंदे में बहुत हेल्थ है भाई, मर नहीं रहा है गाइस, ये गया। ओबे गाइस ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई। मुझे लगता है गाइस मुझे उस बेस के अंदर जाना चाहिए जल्द से जल्द, आई थिंक भाग के जाना चाहिए। लेट्स गो, कौन बचाया भाई। और गाइस यार आपको ये बता दूं कि लॉस्ट गैंग वालों का बहुत बेसों में से एक बेस है भाई, मतलब इतनी सारी जगह उनके बेस है ना कि भाई अलग अलग जगह पे वो पैसे रखते हैं, अलग अलग जगह पे उनके बेस है। हम तो अभी एक नहीं भाई साहब यहाँ पर कैप्चर कर पा रहे, इतना ज्यादा मुश्किल है भाई, इतने सारे बंदे जो है यहाँ पे। बट कोई बात नहीं गाइज, हमारे पास भी बुलेट प्रूफ बेस्ट है भाई, हमारा काम भी हो जाएगा। लेट्स गो, आई थिंक गाइज यहाँ पर मैंने सभी ढेर कर दिए हैं। लेट्स गो, भागो भागो भागो। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें भी बेस मिल गया था। ओके तो गाइज लेट्स गो, इसके अंदर चलते हैं भाई साहब, देखते क्या है। ओए ओए खुल जा। अबे भाई साहब इस लोक है क्या? अरे भाई साहब ये क्या गिरा हुआ है? ओ ये तो कोई कार लगता है भाई। अरे ये कार लगेगा कहाँ पर यार, इसकी जेब में से निकला है। एक सेकंड भाई साहब, ओ गाइस यहाँ पर लगेगा कार, अबे उठाओ इसको। ओके तो गाइस सबसे पहले हमारा बैग जिसके अंदर भाई साहब हम पैसे उठा कर लेकर जाएंगे, एंड अब इसके अंदर की कार डालते हैं। ओके तो गाइज लेट्स गो, भाई साहब इसके अंदर डालता हूँ एंड खुलेगा क्या ये? ओ शायद खुल गया भाई, एक सेकंड अब देखो। ओके तो गाइज वेलकम टू द बेस, भाई साहब देखो गाइज कितना पैसा रखा है भाई इन्होंने यहाँ पे। अरे हमने सक्सेसफुल इनका बेस कैप्चर कर लिया यार, फ्रेंकली भी आपने जो बोला था आपने कर दिखाया। ऐसे ही है गाइज, अगर मैं कुछ ठान लूँ तो मैं कर ही दिखाता हूँ। एंड गाइज आप सब लोग देख सकते हो पैसे की कमी नहीं है भाई साहब, इस बेस में बहुत सारा पैसा यहाँ पर इन्होंने रखा पड़ा है। एंड गाइज यहाँ पर ऐसे लॉस्ट गैंग के बहुत सारे बेस है, आई थिंक गाइज हमें एक एक कर सभी भाई साहब कब्जे में करने चाहिए। गाइज यहाँ पर क्या कहते हो भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। बाकी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गाइज हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद एंड वंदे मातरम। मैं भाई साहब टाटा भी।